पटना से है जहां मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी देखी जा रही है। बीजेपी ऑफिस में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बड़े नेता इसमें शामिल हैं। मंच मोर्चा के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बीजेपी की बड़ी मीटिंग यहां पर चल रही है और जो मुख्य एजेंडा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, यानी कि कुछ महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तब इसकी तैयारी के लिए बीजेपी की यहां पर बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं और मंच मोर्चा के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी लगातार मिशन 2024 को फतह करने के लिए यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में जो पार्टी की बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम मंच मोर्चों के अधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं और प्रदेश स्तर के और भी कई अधिकारी और यहाँ पर कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मीटिंग मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी रहेगी, उसको लेकर एक बड़ी बैठक पटना में हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी यहां पर शामिल हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें इस बैठक में शामिल हैं। 2024 को लेकर के यहां पर बातचीत की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तो मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी की बैठक यहां पर आयोजित की गई है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में ही ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। मंच मोर्चा के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति इस बैठक के दौरान तैयार की जाती है 2024 को लेकर के। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, बड़ी बैठक यहां पर बीजेपी की देखने को मिल रही है, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए और किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा की जाएगी? देखिए, बात की जाए बीजेपी की बैठक की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है इस साल में कि जो संयुक्त मोर्चा की बैठक हो रही है, यानी कि बीजेपी की जो मेन टीम है उसके साथ जितने मोर्चा बनाए गए हैं वो तमाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, ये तमाम लोगों को बुलाया गया है और तमाम लोग बैठक में मौजूद हैं। अभी खुद सम्राट चौधरी इस बैठक को ले रहे हैं। विनोद तावड़े जी को इस बैठक में शामिल होना था लेकिन उनकी फ्लाइट लेट हो गई है, जिसके कारण वो समय से नहीं पहुंच पाए हैं। खुद सम्राट चौधरी इस बैठक को ले रहे हैं और साथ ही कई बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो हैं, संगठन मंत्री बिक्कू भाई दिलसानिया हैं और इस बैठक को लिया जा रहा है। खास तौर पर इस बैठक के बारे में बता दें तो पहले 13 तारीख को प्रधानमंत्री का बेतिया दौरा जो है वो था, लेकिन तत्काल में उसे अभी स्थगित किया गया है। तो ये इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और फिर जेपी नड्डा जी का आने का है, तो ये जो उनकी सभाएं होंगी उसको लेकर ये बैठक है। खास तौर पर 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है कि किस तरह से अपने को मजबूत किया जाए और किस तरह से जो बीजेपी का दावा है कि 40 से 40 सीटें जीत के आएंगे इसको पूरा किया जाए। तो ये रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़ी मीटिंग चल रही है, लेकिन एक तरफ हम देखें तो लवकुश रथ यात्रा निकल रही है बीजेपी की, दूसरी तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी तैयारियों को भी लेकर बात होगी, प्रधानमंत्री महीने के आखिर में आने वाले हैं, तो कुल मिलाकर एक काफी कुछ तैयारी करने को है बिहार बीजेपी के पास इस वक्त। बीजेपी के पास काफी कुछ तैयारी करने के है। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि 10 तारीख को स्मृति ईरानी आ रही हैं, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है और उसको जो है स्मृति ईरानी जो है लीड करेंगी, तो वो आने वाले हैं। 11 तारीख को, ठीक उसके कल होकर 11 जनवरी को तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं, युवा समागम मिलर हाई स्कूल में होने वाला है तो उसको लेकर वो आ रहे हैं। तो कई चीजें हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, लोकुश यात्रा हो गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो गया और खास करके चुनाव जो है सामने, इन तमाम मुद्दों पर जो है बातें होंगी और किस तरह से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरे, किस तरह बीजेपी जो है वोटरों को लुभा सके, इन तमाम चीजों पर जो है बातें होंगी और टिप्स जो है वो दिया जाएगा कि कैसे किस तरह से वोटों को अपने तरफ आकर्षित करना है, वोटरों को आकर्षित करना है और किस तरह से जो है यहाँ पर बीजेपी का जो है परचम लहराना है। खासतौर पर देखा जाए जिस तरह विपक्ष एकजुट है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस तरह की बैठकें कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक तरह से देखा जाए जोश भर रही है। जी
बिल्कुल रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रधानमंत्री का दौरा फिलहाल टल गया है जो 13 तारीख को आने वाले थे। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री 13 तारीख को आने वाले हैं लेकिन इस महीने के आखिर में आएंगे और उसको लेकर बड़ी तैयारी हो रही है, तो अब और क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री को 13 तारीख का दौरा था और कल खुद वहाँ के सांसद बेतिया के जो हैं वो संजय जायसवाल स्थल का निरीक्षण किए थे। दो जगह स्थल का निरीक्षण किया गया था, एक सुवाली में किया गया था, दूसरा स्थल का निरीक्षण हो बेतिया के बड़ा रामना में किया गया था। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की बात है और कई कार्यक्रम है, उस बीच में जो यह कार्यक्रम जो है तत्काल में स्थगित जो है किया गया है, जैसे कि सूचना लोगों को मिल रही है कि तत्काल में स्थगित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जो है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद संभवतः जो है वो आएंगे। पहले 17-18 का था लेकिन वो भी अब कैंसिल माना जा रहा है। अब जो ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनवरी के आखिरी में या फरवरी के पहले, जैसे अमित शाह और जेपी नड्डा जी का है, तो उसी तरह जो है आगे पीछे जो है वो प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री को आना है बेतिया, बेगूसराय, औरंगाबाद। ये पहले से ही निर्धारित है कि 3 रैलियां प्रधानमंत्री को करनी है, तो साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री आएंगे लेकिन तत्काल में उनके दौरे को जो है स्थगित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इंडिया में सीट शेयरिंग और संयोजक